वेलकम टू ग्रेफोस स्टडी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना, जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। बम्फर भर्ती है, 10,873 पोस्ट है। इसमें किसी प्रकार का जो है एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जॉब है। सिर्फ एक पोस्ट जो है इसमें, उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसी में सिर्फ एग्ज़ाम की ज़रूरत है। बाकी सारे पोस्ट में किसी में भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका जो है फॉर्म किस प्रकार फिलअप करना है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसका जो फॉर्म फिलअप करना है किस प्रकार होगा, मार्केट में भी इसका फॉर्म जो है कम ही फिलअप किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आज हम इसी का बात करेंगे कि किस प्रकार जो है इसको फॉर्म भरना है। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से अपने मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप इसका फॉलो करके आप इस फॉर्म को अच्छी तरह से भर सकते हैं। इसमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक, प्रिंट तक, पेमेंट तक सब चीज़ करके आपको दिखाया जाएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है, और यहाँ जो 3 डॉट दिया हुआ है देखिए, इसमें उसको प्रेस करना है, और यहाँ से नीचे डेस्कटॉप मोड जो है इसको ऑन कर देना है। यहाँ से इसको प्रेस करने के बाद डेस्कटॉप मोड देखिए ऑन हो चुका है। इसके बाद सर्च करना है, देखिए यहाँ पर यही समाज कल्याण इंडिया .org इसको सर्च करना है और इसको आगे कर देना है। इसके बाद देखिए आप ये जो ओपन हो गया है पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना लिखा हुआ है, देख सकते हैं अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना। इसके बाद सभी जगह देख सकते हैं लिखा हुआ है ये चीज़। इसके बाद इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स बना हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर YSM जो है, उसके बाद अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना, इसी को प्रेस करना है। देखिए यहाँ से ये पेज जो है ओपन हो चुका है। अप्लाई नाउ पे आपको जाकर के क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं अप्लाई नाउ है, यहाँ से अप्लाई नाउ कर देना है। इसके बाद आपको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, और उसके बाद ईमेल आईडी दे करके जो है यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से हम नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर के रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे हम तीनों चीज़ भर दिए हैं, उसके बाद यहाँ रजिस्टर को हम प्रेस कर दिए। देखिए नेक्स्ट पेज खुल रहा है, देखिए नेक्स्ट पेज खुल चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे जो है डिटेल्स जो मांग रहा है उसको भरना है। तो देख लेते हैं क्या क्या मांग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ को चूज पोस्ट, आप कौन सा पोस्ट में जो है आप जाना चाहते हैं उसके अनुसार आप चूज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ब्लॉक सुपरवाइजर है, पंचायत हेल्थ एडवाइज़र है, एम्बुलेंस ड्राइवर है, और एम्बुलेंस असिस्टेंट है। आप अपनी योग्यता के अनुसार आप जो है इसमें चुन सकते हैं। तो हम इसमें कोई भी एक पोस्ट चुन लेते हैं, जैसे ब्लॉक सुपरवाइज़र है, तो इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन नंबर ए हो गया, नाम, नाम लिखना है यहाँ, फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकेप्ड है या नहीं, इसका मतलब होता है विकलांग यदि है तो यस लिखे, विकलांग किसी प्रकार का नहीं है तो नो लिखे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके बाद डोमिसील, आप कहाँ के रहने वाले हैं डोमिसील, और आर यू रिटायर्ड, रिटायर्ड है यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं तो एस या नो लिखें। यहाँ पे आपका एड्रेस देना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट लिखना है, आप कौन सा स्टेट में है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है, फिर परमानेंट एड्रेस लिखना है, फिर स्टेट चुनना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ से पिन कोड। उसके बाद आप अपनी योग्यता भरें, मैट्रिक में, मैट्रिक का जो आप किस बोर्ड से हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट से मैट्रिक किए हैं, पासिंग ईयर आपका कौन है, कितने मार्क्स जो है आपका प्राप्त हुआ है, और 10 मार्क्स आपका जो है कितने मार्क्स का था और कितना परसेंटेज बन रहा है। उसी प्रकार इंटर का भी यही सब देना है, इंटरमीडिएट का, बोर्ड का नाम, स्पेशलाइजेशन, पासिंग ईयर, ऑप्टेंड मार्क्स, फुल मार्क्स और ऑप्टेंड परसेंटेज। फिर ग्रेजुएशन का भी सेम चीज़ देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फिर अगला पोस्ट ग्रेजुएशन पास, क्या आप पीजी पास किए हुए हैं, अगर जो हाँ तो इसमें एस करें, नहीं तो नो लिखें। कंप्यूटर लिटरेसी, क्या आप कंप्यूटर जानते हैं, एस, अगर जो जानते हैं तो एस लिखें, नो, नहीं जानते हैं तो नो लिखें। इसके बाद यहाँ फोटो और यहाँ सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तो चलिए इतना जो है इस डाटा को हम भर करके आगे बताते हैं कि अगला क्या खोज रहा है। तो चलिए यहाँ से भर लेते हैं जल्दी से। यहाँ मैं सब सारा डिटेल्स को भर चुका हूँ। उसके बाद देखिए सेव डिटेल्स पे यहाँ जा करके क्लिक करना है, सेव डिटेल्स। तो चलिए कर इसको सेव डिटेल्स करते हैं। तो देखिए सेव करने के बाद क्या हुआ गया, फॉर्म जो है मेरा फिलअप हो गया। उसके बाद पे विथ रेजो पे, तो इसको पे करने के लिए, पेमेंट जो है इसका फी पेमेंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, पे विथ, तो इसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आ गया है कि 300 रुपया इसका चालान है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ गया, और आपको किस प्रकार से पे करना है इसको, वीजा, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं कार्ड से, इस यहाँ से कार्ड से, तो कार्ड पे सेलेक्ट करना है। यहाँ देखिए सेव कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए OTP चला है, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, 9531398, यहाँ हो गया।
उसके बाद इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ से लास्ट में जो वेरीफाई आ गया, तो यहाँ से देखिए कार्ड नंबर डालना है, इस कार्ड का एक्सपायरी डेट डालना है, उसके बाद CVV नंबर जो कार्ड का रहता है, जो कार्ड के पीछे में लास्ट का 3 डिजिट जो रहता है वह CVV नंबर रहता है, उसको यहाँ से डाल करके फिर यहाँ पे पे कर देना है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। सारा डिटेल्स को हम फिल कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ जो है पे कर देते हैं। पे यहाँ पे कर लिए, उसके बाद देखिए यहाँ से लोडिंग हो रहा है पेज को। आगे देखते हैं पेमेंट लेता है कि नहीं। पेमेंट जो है देखिए हो चुका है, 300 रुपये का मैसेज भी आप देख सकते हैं। OTP आ गया है, मर्चेंट नेम देखिए युवा सह महिला समाज, 300 रुपया कट रहा है। इसके बाद ही कार्ड नंबर है, तो इससे यह होता है कि यह जो फॉर्म है फ्रॉड नहीं है। इस प्रकार से SBI जो इसका जो कंडक्ट कर रहा है, SBI मतलब इसके पैसा लेने का इसका सोर्स है, इस यह जो है मर्चेंट नेम भी लिखा हुआ है युवा सह महिला समाज, जिसके लगता है जो है फॉर्म कोई फेक फॉर्म नहीं है। तो यहाँ हम इसका जो है OTP भर देते हैं और मेक पेमेंट करते हैं। OTP देख सकते हैं आप, यहाँ से आ चुका है, तो OTP देख सकते हैं यहाँ सह महिला समाज OTP 585192, 585192, तो यहाँ लिख देते हैं 585192, उसके बाद यहाँ मेक पेमेंट कर देते हैं। देखिए मेक पेमेंट करने के बाद देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर जाकर के आप प्रिंट अपने जो फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट ले सकते हैं, तो यहाँ से प्रिंट इसका कर लीजिए। तो देख सकते हैं सारा डिटेल्स के साथ फोटो सिग्नेचर जो भी था आपका, सारा पेमेंट वेमेंट जो भी हुआ है सारा इसमें डिटेल्स आ चुका है। तो चलिए यह जो फॉर्म को सेव कर लीजिए। देख लेते हैं सेव करने के बाद, देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए अपने नाम से के हिसाब से, प्रधानमंत्री PM कुछ लिख लेते हैं, अटल ग्रामीण जन कल्याण, अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना, चलिए इतना लिख करके हम सेव कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यह फाइनली जो है फॉर्म जो है पूरी तरह से भरा चुका है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको फॉलो कर लीजिए, आप फॉर्म को खुद से भर सकते हैं, कोई भी इसमें नहीं है कि आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, बहुत ही आसान से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि वो भी फॉर्म को आसानी से भर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।